चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुटस की रूप में पहचान दोस्तों किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है बी विलियम जोन्स। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कालिंग विजय के उल्लेख मिलता है? भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में दोस्तों। यहां पर आप जवाब रखना तेरहवे शिलालेख में उसके कालिंग विजय का उल्लेख है, ये चीजें आप याद रखेंगे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था या गूढ़ पुरुष या संचार, ये तीनों नाम से उन्हें जाना जाता था। मेगास्थनीस के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 54 का बी 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष दोस्तों कहां पर मिले हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो अवशेष मिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे पटना में, मतलब कुम्रहार में। आगे चलते हैं, अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो 56, जवाब होगा इसका सी राहुलो वात्सुद से ये परिभाषा ली गई है। आप लोगों को याद रखना चाहिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि थी, मौर्य काल की जो प्रचलित विष्टि क्या थी दोस्तों 57, और सही जवाब इसका होगा डी निःशुल्क श्रम। निःशुल्क श्रम दोस्तों इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? दोस्तों अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए थे, बट ये प्योर सोने के नहीं थे। जो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले जिसने चलाया था वो थे कुषाण। पर सोने के सिक्के अगर पूछा जा रहा है आपसे सबसे पहले किसने चलाया था, तो सही जवाब होगा इंडो ग्रीक। आगे चलते हैं, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया हुआ था? शीशे के सिक्के भाई इसका सही जवाब होगा 59 नंबर का सी सतवाहन। सतवाहन ने दोस्तों शीशे के सिक्के चलाया था। इससे आप दोस्तों ये सी याद रख सकते हैं, सा से सा, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई थी? जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जा रही थी, ये प्रथा दोस्तों किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? दोस्तों आप सभी का स्वागत करूंगा आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और दोस्तों रोजाना सुबह 6 बजे ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा और रात 9 बजे डेली आपकी लाइव क्लासेस होती है। आप सभी को बता दूं आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि नीचे डिस्प्ले हो रहा है। और इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो नंबर 3 है, आप 2 वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं जिनका नाम मैं अभी कुछ देर में पब्लिश करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब दोस्तों होगा बी, ये भी होगा सतवाहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क का राजवैद कौन थे? जल्दी से बताएं कनिष्क के राजवैद कौन थे? 61 नंबर का है, जवाब ए होगा दोस्तों चरक। चरक इसका सही जवाब होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे? चलिए कोशिश सभी लोग करें और जवाब होगा इसका बी महायान शाखा के ये अनुयायी थे। याद रखना इस बात को भी, कनिष्क की राजधानी क्या थी? और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी क्या थी? 63 नंबर का जवाब होगा दोस्तों डी पुरुषपुर। जवाब क्या होगा? पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला शिलालेख किस शासक का है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और जवाब होगा इसका सी रुद्रदमन शासक का है ये। निम्न में से किस स्थान पर रोम की बस्ती मिली है दोस्तों? किस स्थान पर रोम की बस्ती मिली हुई है? 65, और जवाब होगा बी आपका अरिक मेडू में दोस्तों रोम की बस्ती पाई गई है। ये चीजें आप याद रखना, काफी अहम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो जवाब होगा यहां पर सी अश्वघोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? चौथी बौद्ध संगति, और आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया है और इसका सही जवाब होगा कनिष्क।
गुप्त शासन की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? तो इसका भी सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता था? 69 नंबर। और सही जवाब होगा इसका डी समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में आया भारत आए थे? 70 नंबर का प्रश्न। और जवाब होगा सही ए समुद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 71। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी से कहूंगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप दोस्तों लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। यहां पर अगर हम देखें 71 नंबर का क्वेश्चन ए होगा स्कंद गुप्त। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? और सही जवाब दोस्तों इसका होता है बी समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये नवरत्न थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय। सही जवाब होगा आपका कुमार गुप्त। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कुमार गुप्त होगा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? 74। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो जवाब सही होगा यहाँ पर सी हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों क्या थी? 75 नंबर का जवाब यहाँ पर बी होगा कन्नौज। क्या होगा? कन्नौज इसका सही जवाब होगा। चीनी यात्री हैंसन किसके शासनकाल में भारत आए थे? 76। और सही जवाब होगा यहाँ पर ए हर्षवर्धन के शासनकाल पे। सही जवाब क्या होगा? ए हर्षवर्धन के शासनकाल पे। 77। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षी संघर्ष में अंतिम विजय किसकी थी? दोस्तों कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था इसमें अंत में विजय किसकी हुई थी? तो जवाब होगा बी प्रतिहारों की। किसकी विजय हुई थी? प्रतिहारों की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? 78। जवाब होगा सी कृष्ण प्रथम। भाई कृष्ण प्रथम ने ऐसा किया था, याद रखिएगा ये भी। वतापी किसकी राजधानी है? ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और इम्पॉर्टेंट है, आपने खुद देखा होगा एग्जामिनेशन में, काफी एग्जामिनेशन में बना है। और सही जवाब दोस्तों इसका होगा डी चालुक्य। स्थानीय स्वशासन किसके शासन की एक प्रमुख विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप जानते हैं, और ये विशेषता थी चोलों के शासन की एक प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। आगे चलते हैं। बृहदीश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब होगा इसका राज 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 प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? और सही जवाब दोस्तों इसका होगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के समय हुआ था। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 83। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों उसका जवाब होगा ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये निर्माण कराया हुआ था। काश्मीर में मार्तंड सूर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? काश्मीर में जो मार्तंड सूर मंदिर है, पहले तो आप ये याद करें कि जो मार्तंड सूर मंदिर कहाँ पर है, तो ये काश्मीर में है। और इसका सही जवाब आपको बता दूं सी होगा ललितादित्य मुक्तापीठ ने दोस्तों इसका निर्माण कराया हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 85 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जवाब सी होगा 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया हुआ था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणों ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। तो 86 का जवाब होगा बी महमूद गजनबी। महमूद गजनबी इसका सही जवाब होगा। लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है या दोस्तों किसे कहा जाता है? तो जवाब होगा ए कुतुब बिन ऐबक को ये कहा जाता है। आगे चलें। सिजदा और पाबोस पाबोस प्रथा किसने चलाई थी? 88। जवाब होगा सी बलबन। किसने चलाई हुई थी? ये बलबन ने चलाई हुई थी।
तृतीय ए हिंद यानी जो हिंद का तोता है दोस्तों, इसे किसे कहा जाता है? हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। आगे चलते हैं, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? किस सुल्तान ने? और क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। हमारे पिछले वीडियो में देखिए आप बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूअर्स ने जवाब दिया, जिसमें से कुछ व्यूअर्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे शिवम कुमार ने जवाब दिया है यहाँ पर और राकेश कुमार भी जवाब देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लूथर इन्होंने लिखा हुआ है, पैडागोजी कराई जाएगी राकेश कुमार आपको बता दें। अंकित यादव जी, मनीषा यहाँ पर, आयुष अग्रवाल जी ने भी जवाब अच्छा दिया है और यहाँ देखें हम तो अलका श्रीवास्तव जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है, राजू शर्मा और अनीता सिंह, रानी सिंह और देखें दोस्तों तो शालिनी राय, सौरभ और दोस्तों राकेश कुमार। तो दोस्तों इस तरह आप भी जवाब देखे बन सकते हैं, आपके कमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपका भी नाम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पब्लिश कर पाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरह SST का फुल कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप देखें। इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखें तो उसे भी जरूर देखें। 9:00 एक धमाकेदार क्लास होती है लाइव, उसे भी आप देखें दोस्तों। तो आप सभी को कहूंगा कि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, उसे शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सभी से मुलाकात करता हूँ 9:00 की क्लास में। थैंक यू।